वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्यूज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। और इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे FB पेज डेली GK एंड करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें। अगर आपको ये क्यूज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में डिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया है जिसके लेखक हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF ने हाल ही में किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली सबसे लंबी नॉन स्टॉप पैसेंजर फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ान भरकर 19 घंटे और 16 मिनट में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में पहुंची। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, सिडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के किस क्रिकेटर ने टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली दो गेंदों में 2 छक्के जड़ने वाले क्रिकेट इतिहास में तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, उमेश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किस भुगतान प्रणाली को अधिकृत करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, ऑन टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से डॉक्टर YSR नवोदयम योजना लॉन्च की। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 50वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और फिलीपींस ने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मनीला यात्रा के दौरान कितने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी फोरम ने किस शहर में न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में जारी तीसरे टेस्ट मैच में किस भारतीय ओपनर ने 249 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वन
चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, वे वन कौन से हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, मैग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, विषुववृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, बैडमिंटन से। ये थी आज की क्यूज। आपके इस क्यूज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।